ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया तो 2030 तक दिवालिया हो जाएगा, देश दिवालिया हो जाएगा। और ये बिना पार्लियामेंट के अब इसको कोई लागू कर नहीं सकता। इवन अब राजस्थान ने भी इस विषय को वापस ले लिया कि हम नहीं कर सकते। तो जो घोषणा तो एक पॉलिटिकल घोषणा होती है, पॉलिटिकल। और मैं कहता हूं आपको एक 2006 का स्टेटमेंट मनमोहन सिंह जी का ये सुनना चाहिए पार्लियामेंट का। ये मनमोहन सिंह जी ने उस समय यह विषय चलाया था। उनको एक इकोनॉमिस्ट तो सब मानते हैं ना, प्रधानमंत्री जैसे थे सो थे, लेकिन इकोनॉमिस्ट अच्छे थे वो। तो उस नाते से उनकी स्टेटमेंट है कि हमको आगे बढ़ते हुए सारे सिस्टम में जितने लोगों को हमने एम्प्लॉई बनाना है, जितने लोगों को कर्मचारी बनना है, और उसके नाते से वो एक दबाव बढ़ता है, और उसके हिसाब से जो पेंशन और जो सैलरी बढ़ती है, सैलरी के साथ पेंशन बढ़ती है, उस पेंशन के कारण से आगे चल करके हम सारे काम रोक करके इसी चक्कर में रह जाएंगे। तो राजस्थान तो बर्बाद हो लिया होगा, छत्तीसगढ़ बर्बाद हो लिया होगा, हिमाचल में अभी कर दिया, वो भी बर्बाद। ये कोई मतलब वो नहीं है, जवाब नहीं है। इनका हक है, देना चाहिए। अब महंगाई इतनी बढ़ रही है, बुढ़ापे का एक सहारा है, उसमें भी आप कटौती कर रहे हैं। ये जब लागू की थी उस टाइम सोचा था शायद लाभदायक होगा, लेकिन तजुर्बा ये हुआ ये लाभदायक नहीं। इसी वास्ते सारे देश के कर्मचारी और ख़ासतौर पर हमारे हरियाणा के कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए पूरा लगा रहे हैं। और हमने कहा है कि हमारी सरकार आएगी कांग्रेस की तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।